नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। अपना जो वेतन है वो हम लोग पीएम फंड में हम लोग दिए हैं, दान किए। क्यों? जो हमारा देश का जो कोरोना इफेक्टेड जो जगह है, एरिया है, उसका कुछ उन्नति के लिए हम लोग ये पैसा दिए। लेकिन बोला जा रहा कि पीएम केयर फंड का जो जितना कलेक्शन हुआ उसका कोई हिसाब हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री को देना नहीं पड़ेगा, तो पैसा कहाँ जाएगा, किसके लिए पैसा कलेक्शन हुआ है? हम लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले हमारा 5 अगस्त को अयोध्या में हमारा भूमि स्थापन हुआ है, वहाँ मंदिर होगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिर होगा, मस्जिद होगा। लोग इसका प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे ईस्टर्न में मेंस यूनियन का जो वर्किंग कमेटी मीटिंग है वहाँ से सिद्धांत लिया गया था कि आज का दिन में ईस्टर्न रेल में 40 शाखाएं एक ही साथ में एक ही प्रोग्राम करेंगे कि काला छाता दिखा के हम लोग विरोध करेंगे कि रेलवे का जो संपत्ति है इसको बेचने जा रहा है आज का जो वर्तमान सरकार है, उसका खिलाफ में हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं। हम लोग इसका पूरा पूरी विरोध कर रहे हैं। हम लोग को स्लोगन है कि रेल बचाओ देश बचाओ। रेल को अगर बचा नहीं सकेंगे हम लोग तो देश जरूर बचेगा। तो ये हम लोग को रेल बचाओ देश बचाओ स्लोगन लेके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हमारे आसनसोल डिवीज़न का 8 शाखाएँ है, स्टार रेल में 40 शाखाएँ है, सब जगह में एक ही प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। आसनसोल डिवीज़न में आसनसोल है, सीतारामपुर है, बड़ाकर है, मधुपुर है, अंडाल है, दुर्गापुर है, पानागढ़ है, सब जगह में हम लोग यही प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग किसी भी हालत में हम लोग रेल को बेचने नहीं देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है डीके राय, शाखा सचिव, ईस्टर्न रेलवे मेन्स यूनियन, सीतारामपुर। धन्यवाद। ये जो केंद्र सरकार है, वर्तमान जो केंद्र सरकार के अंदर बैठी है, ये टोटल रेलवे को प्राइवेट कर रही है। इसके खिलाफ आज हम लोग स्टेशन में छाता लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्राइवेटेशन के खिलाफ। अच्छा, तो ये किस पार्टी के जरिए किया जा रहा है? हम लोग ये पार्टी नहीं है, हम लोग का ये यूनियन है, रेलवे का एक रेलवे का ट्रेड यूनियन है, ईस्टर्न रेलवे मेन्स यूनियन सीतारामपुर ब्रांच के तहत ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अतुल कलाम, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीतारामपुर ब्रांच से। जीते ओर से जाता है सीतारामपुर स्टेशन, और सबसे बड़ा चीज़ है हम लोग का इस क्षेत्र में एक ही जो हिंदी मीडियम स्कूल है जहाँ पर लड़का लड़की एक साथ में पढ़ता है, वो है इंडी राष्ट्रीय विद्यालय। लगभग 1500 लड़का लड़की, जैसे मिठानी कोलियारी, आलडी, बेहटी, हिंदी भाषा भाषी भाई बहन बहुत जाते हैं साइकिल से। ये इतना रास्ता खराब हो गया, माने रास्ता का बीच में तबाह हो गया। आप लोग खुद अपने जाकर देखिए। मैंने सब जगह में बोला, इसका पहले जितना आपको पेपर बड़ा बड़ा लीडिंग पेपर्स में भी नहीं निकला, फोटो भी निकला, हमारा मालूम नहीं है क्यों, काहे, किस लिए ये रास्ता नहीं बन रहा है। हमारा डीएम का पास, हमारा मेयर का पास, हमारा मंत्री का पास, हमारा विधायक का पास, हमारा सबका पास अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, ये रास्ता तो जल्दी से जल्दी बन रहा है। क्योंकि हम लोग का जो सरकार है ममता बनर्जी, जिसको हम लोग बोलता है कि हम लोग का उन्नयन का प्रतीक, तो ये रास्ता तो देख कर हम लोग का शर्म लगता है। इसीलिए हम बोल रहा है, जितना हम लोग का है, मेयर से लेकर, डीएम से लेकर, विधायक से लेकर, मिनिस्टर से लेकर, सबका पास अनुरोध है जल्द से जल्द इस रास्ता पर बना दिया जाए। आपका नाम क्या हुआ सर? बच्चू राय, एक्स वाइस चेयरमैन पुलटी म्यूनिसिपैलिटी। पीछे बहुत भयानक परेशानी हो रहा है। गाड़ी तो केम होता पलटी मार जाता है। अच्छा, जहाँ तहाँ बीच में गड्ढा है। अच्छा, अरे पानी जितना तालाब का पानी है, ठीक है, पानी निकलने का जगह नहीं है, समझे, वो पानी का निकलने का कोई जगह नहीं है, जाकर रोड में जमा हो जाएगा। कोई साधन भी बोल के नहीं है, अगर वो ड्रेन टाइप का बन जाएगा तो बहुत आराम हो जाएगा। इसमें बहुत बार आदमी गिरा है। हम लोग कितना दिन से परेशानी है? ये तो समझिए कि बहुत दिन से परेशानी है।
बता नहीं सकते मैंने कि इससे ज़्यादा ही हो रहा है, 10-12 साल से ज़्यादा है। हम लोगों के आने जाने के लिए यही है मुख्य रास्ता, सबसे नज़दीक जो जीटी रोड पकड़ते हैं सीतारामपुर से कनेक्टिंग, पुराना सीतारामपुर, बैरागी बागान, सीतारामपुर स्टेशन, शॉर्टकट रास्ता, एक सुरक्षित रास्ता यही है आने जाने का। और इसका हालत सालों भर देखते रही ऐसे ही, बरसात और क्या गर्मी क्या जाड़ा, तालाब रास्ता नहीं बोलिए इसको सर, तालाब के बीचे बीच जाना आना होता है। अच्छा, ये पानी इतना कहाँ से आ जाता है? ये पानी सामने का तालाब जमाना से भरा हुआ है, कभी ध्यान नहीं देता है, न इधर का न उधर का, दोनों साइड का गड्ढा बीच में पड़ गया है, तो थोड़ा सा इस पर कॉरपोरेशन ध्यान देती तो रास्ता बनता। अच्छा, तो ये रास्ता तो पहले भी बनाया गया है लेकिन बावजूद उसके फिर से यही हाल है। इसमें लोगों का कहना ये भी है कि हाइड्रेन मतलब बनना चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे? हाइड्रेन हो या जिस तरह से हो, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, छोटा सा फंड से भी काम हो सकता है। नियत होनी चाहिए काम का, दुश्वारी समझना चाहिए पब्लिक को, कितना परेशानी हो रहा है। 5 मिनट यहाँ का वार्ड काउंसिलर या डिप्टी मेयर या मेयर कोई खड़ा होकर देखे तो उसके आँख में समझ में आ जाएगा, उसके दिमाग में कि कितना बड़ा परेशानी। आए दिन मेरे घर के भी कल लोग उलट गए, चोट लग गया, हैवी इंजर्ड हो गए, आए दिन सुनते हैं 4-5 लोग उलट रहे हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? इम्तियाज अहमद। কাজ না মেজারমেন্ট করবার সময় সেই দিনে এখানেও আমি এসেছিলাম, তো আমাকে দেখানো হলো মন্দিরেরটা, আমি এর আগেও এসেছি দেখেছি। ফারুককে তখন বললাম যে তোমার কাছে তো অনেক মিস্ত্রি আছে, তোমার কাছে কাজ দেখাশোনা এসব করার জন্য একজন ভালো আছে, আমি খুব ভালো করে তাকে জানি, উনি মনে হয় ঘোষা বউ আছে, উনি কাজ করবো খুব ভালো বোঝেন, বড় বড় বিল্ডিংয়ের কাজ এসব কাজ খুব ভালো করেন। তা আমি ওকে বললাম যে তুমি ওনাকে নিয়ে আর ভালো মিস্ত্রি দেখিয়ে আমাকে হিসাব করে বলো যেটা আছে ঢালাই আসে এটা কত লাগবে, ঢালাই হয়ে যাওয়ার পর তারপর ফিনিশিংয়ের কাজগুলো, তারপর আগে ঝালাই পর্যন্ত কী হচ্ছে কত হচ্ছে খরচা আমাকে বলো। ও হিসাব করে সব কিছু করে আমাকে বললো যে 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা এতে খরচা আছে, তো আজকে এসেছি সেই টাকাটা আমি তোমাদের সামনে তাকে দিয়ে দেবো, দায়িত্ব তাকে দিয়ে দেবো, ওই কাজটা করিয়ে দেবো। ওই ভালো করে যে মিস্ত্রি দিয়ে বা ওর কাছে যে ওই যে রয়েছেন যে স্টাফ আছে ও কাজ খুব ভালো বলছে, বড় বড় ফ্ল্যাটের কাজ করছে, বিল্ডিংয়ের কাজ করছে, হ্যাঁ বলছে দেখেছে, ও ভালো করে করাতে পারবে। তার জন্য আমার তো সময়ের অভাব আছে, আমার সময় কম আছে, আমি দৌড়াদৌড়ি মানে এত সময় নিয়ে করতে পারবো না, তার জন্য একজন খুব দরকার, সেই হিসাবে তাদেরকে দিচ্ছি, তারও নিজে তাকে দিয়ে করিয়ে দেবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দাদা আপনাদেরকে। देखिए आज यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, ये रुईदास पाड़ा है वार्ड नंबर 61, यहाँ मनसा मंदिर है और 50-60 साल पुराना मंदिर है। बहुत दिनों से यहाँ का लोगों का इच्छा था कि ये मंदिर कंप्लीट हो, बहुत सारे नेता आए लेकिन किसी ने भी इस मकसद को पूरा नहीं किया, इन लोगों का जो मांग था जो डिमांड था उसको पूरा नहीं किए। आज हमारे कुलटी के विधायक जनाब उज्जवल चटर्जी साहब ADDA वाइस चेयरमैन भी हैं, वो आज आएँ, और इन लोगों ने आज एक हफ्ता पहले उनसे कहा था कि ये हम लोगों का मंदिर है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और हम लोग सभी को बोले हैं लेकिन कोई नहीं किया। जब ये बात उज्जवल चटर्जी को बोले तो वो बखुशी राजी हो गए और वो बोले एक हफ्ते के बाद आएंगे, और आज उन्होंने आकर मंदिर का उद्घाटन किया और काम का शुरुआत कर दिए। उन्होंने अपना फंड से 1,60,000 रुपया दिए मंदिर के लिए, मनसा मंदिर के लिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे इलाके के 61 नंबर वार्ड के जितने भी लोग हैं, इस मोहल्ला के जितने भी महिला हैं, मर्द हैं, जेंट्स हैं, औरत हैं, जो भी हैं, सभी उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और यहाँ बहुत ही खुशी का माहौल है और सब खुशियाँ मना रहे हैं कि ये हम लोगों का बहुत दिनों का ख्वाहिश था और वो ख्वाहिश आज उज्जवल चटर्जी ने पूरा कर दिया। आपका नाम? मीर हासिम, मेयर इन काउंसिल आसनपुर। विगत 1 से 1.5 महीना पहले नियामतपुर फाड़ी अंतर्गत नूर नगर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्बोधन हुआ था, जिसे लेकर आज सोमवार को कोलकाता STF ने
उक्त स्थान पे दोबारा जांच पड़ताल की। एसटीएफ टीम के साथ नियामतपुर पुलिस भी शामिल थी।